₹400 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के रेवेन्यू तो 1.7% बड़े हैं, लेकिन एबिटा परफॉर्मेंस देखिए, मार्जिन परफॉर्मेंस देखिए, 28% बड़ा है एबिटा, मार्जिन 10.3% से बढ़कर करीब करीब 13% के आसपास आए हैं, जबकि मार्जिन यहाँ पे गिरने का अनुमान था, फिर 10% आने का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 298 करोड़ पे आया है, 230 करोड़ का अनुमान था। तो हर पैमाने पे गुजरात गैस के नतीजे अच्छे हैं, उसके चलते आज आपको तेजी देखने मिल सकते हैं। वैसे भी बाकी